हमने कराची में हमने और सरफराज भाई ने बैठ के मैच देखा और बस मैं चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए सिस्टम, सरफराज भाई को आज टीम में होना चाहिए था और आज टीम फतह भी हासिल करती है सरफराज भाई होते। मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाह रहा इस पर कुछ भी, बस सरफराज भाई के पास आने की स्पेशल वजह ही सरफराज भाई का जानवर हम लोग हर साल देखने आते हैं और सरफराज भाई कराची की पहचान है, कराची की शान है और यही वजह है शायद। चीखता फूडी, जी हाँ मैं मोहम्मद आरिफ और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने अरे अब्दुल्ला दीवाना। चीखता फूडी जी, जनाब आपको पता है ईद उल अज़हा चल रही है और हम घूमते फिरते आ गए हैं सरफराज भाई के जानवर देखने के लिए, पर यहाँ आए तो हमें एक और सरप्राइज मिला, यहाँ जफर अब्बास साहब है JDC के, तो जफर भाई भी हमारे पास हैं यहाँ पे और इनसे कुछ बात करते हैं कि रात के कोई 2:30 बज रहा है और आप सरफराज भाई के पास किस लिए आए, किस वजह से आए, तो हम चलते हैं। पहले आपको डोलू और बोलू दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत से जानवर है और सरफराज भाई ये खुद पालते हैं इन जानवरों को और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लग नहीं रहा कि 2:30 बज रहे हैं, यहाँ पे दिन का समय है, लोग आए हुए हैं बड़ी दूर दूर से और हम चलते हैं सरफराज भाई से भी बात करते हैं और जफर भाई से भी बात करते हैं और आपको जो है ना डोलू और बोलू दिखाते हैं। जी वालेकुम सलाम। सरफराज भाई के पास आने की स्पेशल वजह है सरफराज भाई का जानवर हम लोग हर साल देखने आते हैं और सरफराज भाई कराची की पहचान है, कराची की शान है और यही वजह है शायद हमने कराची में हमने और सरफराज भाई ने बैठ के मैच देखा और बस मैं चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए सिस्टम, सरफराज भाई को आज टीम में होना चाहिए था और आज टीम फतह भी हासिल करती है सरफराज भाई होते। मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाह रहा इस पर कुछ भी, बस ये कि सरफराज भाई का जानवर देखना है, दिल खुश हो गया देख के, सरफराज भाई का जानवर ये और पंखा लगा हुआ है यहाँ पर और फखरे पाकिस्तान खुद मौजूद है यहाँ पर और इनकी कुर्बानी की कराची में मिसालें दी जाती हैं क्योंकि ये पहले जानवर खरीदते हैं और एक साल उसकी खुद पलाई करते हैं, खुद उसकी देखभाल करते हैं और चूंकि मैं बात जानता हूँ शारिक मेरे भी दोस्त हैं और इनके भी दोस्त हैं, ये बहुत दिल से कुर्बानी करते हैं, कोई भी काम जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं। आप देखें हम खुद गर्मी में बैठे हैं, सरफराज भाई खुद गर्मी में बैठे हैं लेकिन जानवरों के ऊपर पंखा चल रहा है, कितनी कमाल बात है। सर ये जो हमने लिए तकरीबन 8-9 महीने पहले लिए थे और हमारा बैठा कैटल फार्म है हमारे दोस्तों का, तो वहीं से हमने ये जानवर पलवाए तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत अच्छे पले हैं और बहुत खुश हैं इनको देख के। सर तकरीबन 2 हफ्ते पहले ले आते हैं और कोशिश करते हैं इनकी भरपूर खिदमत करें और अल्लाह की राम कुर्बान करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा इसका नाम ढोलू है? ढोलू और बोलू। लोग अपना फरीजा अंजाम कैसे देंगे, ये फर्ज अदा कैसे करेंगे? बहुत अच्छी कुर्बानी कर रहे हैं माशाल्लाह सरफराज भाई और लोग स्टैंड फैन तो लगाते हैं लेकिन ये जज्बा जो है ना बाकायदा तौर पर कि मैंने पहली दफ़ा देखा तो मैंने कहा तुमने इसको अप्रिशिएट करें और जितने लोग देख रहे हैं उस वीडियो को लाजमी शेयर करें, सरफराज भाई हमारे फॉर्म हीरो है, हमारा फ़खर है। और ये बकरी की बात खुल जाता है सरफराज भाई शटिंग वटिंग ऊपर से सब अंदर जाता है, अंदर रखा हुआ था, अंदर से लग, अंदर से खुल के आता है सर, फिर अगले साल दोबारा। हाँ हाँ तो ये 5-6 साल होगा ये सारा सामान अंदर। ये ढोलू है, और ये बोलू है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है ये जी। जनाब जैसे कि मैं अभी गया जफर भाई से मिला और सरफराज भाई से मिला, उन्होंने यही बोला कि हम आए हैं, हर साल आते हैं जफर भाई सरफराज भाई के जानवर देखने के लिए और वाकई इसके ऊपर बहुत मेहनत हुई हुई होती है, बड़े खूबसूरत जानवर हैं, काफ़ी मैं कहता हूँ कि अगर इसको मैं अंदाजन भी लगाऊँ तो 25 से 30 मन का एक जानवर है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा इंतज़ाम किया हुआ है सरफराज भाई ने, ऊपर पंखा भी चल रहा है, नीचे रेत वेत डली हुई है
बड़े सुकून से आराम से बैठे हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सरफराज भाई भी बैठे हुए हैं और जफर अब्बास भाई भी बैठे हुए हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई। तो देखें, हमारी जो कराची की रौनकें होती हैं वो इन दिनों में बहाल हो जाती है। करीबन 4:15 बज रहे हैं, तो 4:15 बजे यहाँ दिन का समय है। तो फिर आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है जिसका कमेंट सबसे मजे का होगा उसको हम देंगे एक सरप्राइज गिफ्ट। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। और खाने को मौत यूं ही देते रहें।